खबर बात के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं सतीश। खबर बात की खास बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाल ही में नवरात्रि उत्सव खत्म हुआ, कोजागरी पूर्णिमा भी खत्म हुई, अभी हम बढ़ रहे हैं दिवाली के उत्सव के लिए। दिवाली के उत्सव के पहले अगर हम आकाश की तरफ देखेंगे तो आसमान बहुत साफ सुथरा नजर आता है, तारे बहुत अच्छे रूप से अपने को दिख रहे हैं। तो ये क्या होता है आकाश इतना निरभ्र और साफ सुथरा होना? हमें तो कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो यह जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में BARC के साइंटिस्ट संतोष टकले पधारे हुए हैं। तो हम दर्शकों की ओर से और हमारी खबर बात की खास बात की ओर से उनका स्वागत करते हैं। संतोष जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो संतोष जी, इस माहौल में यह चांद और चांदनी इतनी लुभावनी से क्यों होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हम कोजागिरी पूर्णिमा की बात से ही शुरुआत की आपने, नवरात्रि और कोजागिरी पूर्णिमा की जी। तो ये जो कोजागिरी पूर्णिमा है वो बेसिकली शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा ये नाम से भी जानी जाती है जी। तो अभी ये जो कोजागिरी पूर्णिमा है ये शरद पूर्णिमा इसलिए कहलाती है क्योंकि गर्मी, जिस गर्मी में अपने देश में बारिश का मौसम भी आता है, तो बारिश का मौसम खत्म हो गया है और अभी शुरुआत हो रही है सर्दियों की, जाड़े के मौसम की। तो अभी बारिश खत्म होने के कारण बारिश ने ये जो अपना एटमॉस्फेयर है या जो हमारा आसमां और हमारे अर्थ के बीच में जो जो भी पोल्यूटेंट्स है वो सारे धुल गए हैं, सारे साफ कर दिए गए हैं। तो ये सारे साफ करने के कारण हमको जो क्लैरिटी विजन ऑफ द स्काई है, मतलब वहाँ आप चंद्रमा की बात करें या तारों की बात करें, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है और उसके कारण हमको ये दृश्य थोड़ा लुभावना लगता है। और उसी के कारण आप जानते होंगे कि कोजागिरी पूर्णिमा के ये चांद और उसकी चांदनी की खासियत है, उसको देखने के लिए लोग रात तक जगते हैं, उसके कारण उसके पीछे और भी कई धार्मिक रीजन है, बट ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन है जो हम जानते आ रहे हैं सदियों से। यानी आकाश दर्शन के बारे में आप थोड़ा मुड़ सकते हो इसकी, इसलिए बराबर है ना, मौसम ही ऐसा है कि यहाँ से आकाश दर्शन की शुरुआत होती है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आकाश दर्शन क्या होता है? हाँ, मतलब जैसे कि आप लिटरल मीनिंग, मतलब इसके मतलब के बारे में जाएंगे तो आकाश दर्शन का मतलब ही ये होता है कि आकाश में छिपे हुए बहुत सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनका अवलोकन करना जी। बट यहाँ साथ में एक बहुत जरूरी चीज आती है कि बचपन से लेके अपने अंत तक, ओके, हम इसी दुनिया में रहते हैं, आसमान को देखते रहते हैं, बट बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं रहती जी। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए, आपको किसी प्राणियों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कहाँ चले जाते हो? यू इमीडिएटली गो टू सम प्राणी संग्रहालय में चले जाते हैं। वैसे सपोज आप बर्ड्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप बर्ड सेंचुरी में चले जाते हैं। वैसे ही ये जो आसमान है ये इसी तरीके का एक संग्रहालय है सेलेस्टियल बॉडीज का जी। तो इस सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानकारी बढ़ाना, उसका अवलोकन करना और अपने भविष्य के लिए या फिर इंटरेस्ट या हॉबी के लिए उसको परस्यू करना, यही आकाश दर्शन है। ये इसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग है। अच्छा, मतलब आकाश दर्शन पूर्णिमा की रात में ही होता है? नहीं, यहां मैं एक थोड़ा बोलना चाहूंगा। देखिए, हमने कोजागिरी पूर्णिमा से शुरुआत की है, इसका मतलब आकाश दर्शन पूर्णिमा की रात को नहीं होता है। आकाश दर्शन में हमको वो चीजें देखनी है जो बहुत ही धुंधली है आसमान में, और रात के आसमान में सबसे ज्यादा रोशनी देने वाला ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल बॉडी है चंद्रमा। अभी ये चंद्रमा के उपस्थिति में इनका अवलोकन नहीं होता है, जो तारे और बाकी तारकाओं की हम बात कर रहे हैं। तो कोजागिरी पूर्णिमा एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहां से ऑब्जर्वेशन के फिनोमेना की या उस तरीके के इवेंट्स की शुरुआत होती है। बट जहां तक ऑब्जर्वेशन की बात है तो चंद्रमा जब आसमान में नहीं है तभी ऑब्जर्वेशन किया जाता है जी? वो आता है अमावस के रात या उसके एडजॉइनिंग पीरियड में, मतलब अगल बगल में आप बोल सकते हो कि अमावस के पहले चार दिन, बाद में चार दिन, इस तरीके से आकाश दर्शन का इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा 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 अच्छा, अब ये इवेंट के बारे में बात करेंगे तो आप बताएंगे ये सब कैसे किया जाता है वगैरह? या देखिए कि आकाश दर्शन जो है, जैसे कि हमने बोला कि ये एक साइंस की एक महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है और जिसमें हम सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं। तो इस सेलेस्टियल बॉडीज में हम एग्जैक्टली आसमान में छुपी हुई बहुत सारी चीजें देखते हैं जी। अभी आप एक छोटी सी चीज देखो कि आपको भी मैं शायद पूछूं या छोटे बच्चे को हम स्कूल में पूछेंगे कि बेटा रात के आसमान में कितने तारे रहते हैं,
within a flash of second he will answer anginat. This is what everybody answers. Yeah. Abhi ye bahut badi galat fehmi main yahan dur kar du ki hamare naked eye ko khule aankhon ko raat ke aasman mein agar climatic condition bahut hi saaf sutri hai to sirf 6000 tare dikh sakte hain. Are wah. सिर्फ 6000 तारे दिख सकते हैं और हम हमेशा जिंदगी भर दोहराते आते हैं कि इन्फिनाइट दिखते हैं. अभी ये 6000 तारे हैं वो रात के पूरे आसमान में दिखते हैं. मतलब अगर हम आधा हेमिस्फीयर जो रात का एट ए टाइम देख रहे हैं उसमें 3000 दिखते हैं और शहर से मतलब अभी आप टेरेस पे चले जाएंगे हमारे स्टूडियो के भी और वहां से देखेंगे तो 6000 और 3000 को छोड़िए 30 भी नहीं दिखेंगे. ये आप भी जानते हैं कि नहीं दिखते. जैसे हम जंगल की तरफ या गांव की तरफ जाते हैं तो इमीडिएटली आसमान में ऐसे लगता है कि किसी ने इस तरीके से मतलब बौछार की है तारकाओं की. यानी अपने शहर में पोल्यूशन का प्रॉब्लम है. अपने नहीं सभी शहरों सभी में, शहरों है. में तो सभी शहरों में जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसमें दो तरीके के पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन एज वेल एज द केमिकल पोल्यूशन. जी तो इसके कारण हमको रात के आसमान में तारे दिख नहीं पाते. तो अभी हमने जैसे कि छेड़ा मतलब क्वेश्चन किया है कि रात के आसमान में क्या क्या दिखता है तो ये तारे दिखते हैं. इन तारकाओं से बने हुए तारका समूह दिखते हैं. कभी हम उनको राशि बोलते हैं क्योंकि वो सूरज जहां जिस पाथ से जाता है उस पाथ में आने वाले 12 छोटे तारका समूह है जो पूरा वो सर्कल ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको हम राशि बोलते हैं. अगर चांद्र मास या हिंदू संस्कृति की बात कहे तो उसी को हम लोगों ने नक्षत्र बोला है. बट वो 12 नहीं है, वो 27 है, 27 नक्षत्र है. इसी तरीके से रात के आसमान में बहुत सारी और भी चीजें देखी जा सकती है. जैसे कि आपको जानते होंगे आप एक इक्लिप्स यानी ग्रहण नाम की चीज होती है. जी, जी, जी. दिन में या आपको अमावस की रात को सूर्य ग्रहण दिखेगा, पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण दिखेगा. जी. इसी तरीके से आपने दिवाली की भी बात की थी. बराबर है. तो दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं, उसका जो रोशनी होती है वो हम बड़े बुजुर्ग सबको पसंद आती है. बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पोल्यूशन होता है. पोल्यूशन होता है. बट इस तरीके की सुनहरी रंगीन दृश्य हमें ये विश्व भी दिखाता है जिसको हम बोलते हैं उल्का वर्षाव, डूबता तारा जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं. तो ये उल्का वर्षाव भी होते रहते हैं. तो अभी जैसे कि आज जो तारीख है तो उस हिसाब से हम बात करें तो ओरियनिड्स मतलब ओरायन द हंटर यानी मृग इस तारका समूह से कुछ उल्काएं कंटिन्यूअसली गिर रही है जिनका एक घंटे में 20 दिखती है. जी, उनको जी. आप देखेंगे तो आपको फटाके से ज्यादा मजा आएगा, पैसा भी खर्च नहीं होगा और कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा. मतलब आम के आम नो दाम, ऐसे आप बोल सकते हो. तो इस तरीके से रात के आसमान में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ संक्षिप्त में है क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है. जी जी. तो अभी आपने तो बताया कि आसमान में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं उसका आपने हमारे दर्शकों को थोड़े संक्षिप्त रूप से बता दिया है. और इस आकाश दर्शन के लिए अगर देखने के लिए कुछ साधनों की जरूरत होती है संतोष जी? हाँ, मतलब देखिए कि जैसे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है, इसमें हम बात कर रहे हैं खुले आसमान के ऑब्जर्वेशन की या अवलोकन की. जी. तो जरूर सही मायने में बोलेंगे तो हमको चाहिए कि एक तो हमको जानकारी होनी चाहिए या फिर हमारे साथ कोई जानकार होना चाहिए. खुला आसमान होना चाहिए जहां साफ सुथरा माहौल हो. बट इसके साथ ही में हमको आप जैसे कि देखिए कि आसमान में बहुत सारे मैं अरबों ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं. जी, जी. और उस अरबों ऑब्जेक्ट्स को आपको देखना है, मुझे ही आपको दिखाना है. तो शायद मैं दिखाऊंगा कोई एक छोटी सी चीज और आप कुछ और देख रहे होंगे तो मुझे पिन पॉइंट करने के लिए वहां तक पॉइंट करने के लिए डंडी चाहिए. ऐसा आप सोचो जैसे टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं जमीन से आकाश तक. बट ये तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो गया. जी? कोई उठा ही नहीं सकता इस चीज को. सवाल नहीं आ रहा. तो इस तरीके की एक प्रकाश शलाका यानी बीम हम छोड़ सकते हैं, जैसे कि बैटरी का इस्तेमाल, हाई बीम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे. जी, तो जी. रात के अंधेरे में वो दिखती है. हाँ. और ये बैटरी का बीम जो होता है वो थोड़ा चौड़ा रहता है, मतलब नैरो नहीं होता है. अच्छा. तो अभी नए इन्वेंशन से एक लेजर बीम पॉइंटर आता है जो बहुत अच्छे से आपको उसकी तरफ पॉइंट करता है. जी, तो जी. मतलब बेसिक चीजों की अगर आप बात करें तो रात के आसमान के अवलोकन के लिए आपको एक नॉलेज बैकग्राउंड में होना चाहिए, आपके पास एक स्काई मैप होना चाहिए, साफ सुथरी खुले आसमान वाली जगह होनी चाहिए, एक लेजर पॉइंटर होना है अगर आपको किसी को वो दिखाना है. और अगर आपको डीप स्काई या जो खुली आंख से देख नहीं सकते इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो शायद आपको टेलीस्कोप या बाइनोकुलर इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ सकती है. अच्छा, उसमें भी कुछ और तंत्रज्ञान वगैरह आए हुए हैं क्या? अगर कुछ रोहिसार रहेगा कुछ टेलीस्कोप के बारे में तो थोड़ा संक्षिप्त रूप से हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे तो. हाँ, मतलब अच्छा, अगर आप बात किए तो नॉर्मली हम फिनांस के टर्म्स में बात करते हैं कि हॉबीज भी आजकल उससे जुड़ी है. तो मतलब आप बात करेंगे बाइनोक्यूलर तो बाइनोक्यूलर की कॉस्ट 1000 रुपए से लेके उस रेंज में बढ़ते उड़ते आगे जा सकती है जिससे आप
नेकेड आई वाले जो ऑब्जेक्ट है उनको अच्छे से साफ सुथरे तरीके से देख सकते हैं। जो बर्ड वॉचिंग का बाइनोक्युलर होता है, मतलब जैसे पक्षी निरीक्षण का, उससे भी आसमान की चीजें काफी अच्छी दिखती है। जैसे कुछ चीजें, जैसे अभी आपने बात की कि हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं, तो वो है अश्विन अमावस्या। तो अभी हम कार्तिक महीने में जा रहे हैं, चंद्रमास में, तो एक कृत्तिका नक्षत्र होता है, वो भी इस तरीके के बाइनोक्युलर से अच्छा दिखता है। तो ये होगी बाइनोक्युलर की बात। टेलीस्कोप की जब हम बात कर रहे हैं, तो टेलीस्कोप के भी 5,000 से लेके 50 करोड़ तक कॉस्ट हो सकता है। बट इमैच्योर के लिए 5,000 वाला टेलीस्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है, सिर्फ इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज है। आज हम बात करें तो हबल स्पेस टेलीस्कोप की हम बात करते हैं कि एक टेलीस्कोप है, ये काफी बड़े बड़े आविष्कार है जो इंसानी सभ्यता ने बनाए हैं या निकाले हैं, और उसके कारण आज हमारे पास बहुत सटीक तरीके से काफी जानकारी अपने कॉस्मोस के बारे में या यूनिवर्स के बारे में आज हमारे पास है। यानी आकाश दर्शन के पहले आकाश दर्शन करना हो तो बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, उसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं या हमें बताएंगे? यानी अभी आपने टेलीस्कोप वगैरह ये जो बातें बताई हमारे सभी दर्शकों को, तो इसके बारे में मैंने तो पहले सुना था, ये अपना नेहरू तारांगण, वहां की जो टेलीस्कोप है वो इतनी महंगी है, जो अखबारों में पड़े हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सभी दर्शकों को मालूम है कि वो टेलीस्कोप का कॉस्ट क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो अभी जो आपने इसके बारे में कहा, यानी आकाश दर्शन से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है और वो क्या हो रहती है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जरूर जरूर। देखिए क्या है, आकाश दर्शन जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये रात में अब एक सुनसान जगह पे जाके करने वाला ऑब्जर्वेशन है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि द प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, मतलब जो भी तैयारियां है वो सारी ओवरनाइट कैंपिंग की है। अभी ओवरनाइट कैंपिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो ओवरनाइट कैंपिंग के लिए हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप जा रहे हो, अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी में ठंडी रहेगी रात को, सुबह ड्यू ड्रॉप्स भी रहेंगे तो आपको गर्म कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। आप जहां जा रहे हो वहां ट्रेकिंग के लिए, ट्रेकिंग करते हुए दूर जगह पे आप पहुंच जाते हैं, तो वैसे उस तरीके के आपके जूते वगैरह होने चाहिए। आप जा रहे हो तो सेफ्टी की, आपके सेफ्टी की चिंता या आपको प्रिकॉशन आप खुद को ही लेने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो जैसे कि आपके पास स्काई मैप होना चाहिए, एक जानकार व्यक्ति होना चाहिए जिसने ये सब ऑर्गेनाइज किया है। टेलीस्कोप वगैरह सेकेंडरी है, जो आपके लिए ये सब ऑर्गेनाइज करेंगे शायद वो लेके आ जाएंगे, या आप सिर्फ गले में बाइनोक्युलर और बैटरी और लेजर पॉइंटर और स्काई मैप, दिस इज इनफ। बट जो सेफ्टी पार्ट है कि आप जंगल में जा रहे हो रात भर वही हो, तो उस पार्ट के लिए मेरे ख्याल से दर्शक जो है वो काफी जानकार है, और इस तरीके से जो प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट है वो उनके समझ में आए। बराबर है, आकाश दर्शन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, दर्शकों कहीं मत जाइए। खबर बात की खास बात में लेते एक छोटा सा ब्रेक। घरात बँकेची ब्रांच, अगं चला मुहूर्त जवळ आला, वी आर रेडी। आमच्या घरात ब्रांच, कॅटरीज काय? खरं घरात ब्रांच कमल आहे, आमच्या घरात टीजीएसबी ब्रांच। आता टीजीएसबीतलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता, कारण आता आपले टीजीएसबी मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, एसएमएस आणि आरटीजीएस एनईएफटी सेवा। अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेंशन। खबर बात के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। ब्रेक के बाद खबर बात की खास बात में आपका फिर से एक बार स्वागत। हमारे बीच मौजूद है बीएआरसी के साइंटिस्ट संतोष टकले। तो संतोष जी, हमें बताइए आकाश दर्शन के तैयारी की जरूरत होती है, और उस तैयारी करने के लिए जो आपने अभी अभी दर्शकों को हमारे बताया कि बहुत कुछ इक्विपमेंट्स प्रोफेशनल आदमियों के पास मौजूद रहती है, आम आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाता है। अभी आपने ब्रेक के पहले कहा हम लोग छोटा सा टॉर्च या अपना बाइनाकुलर लेके जा सकते, तो उसके आगे समझो किसी सोसाइटी के सोसाइटी वालों को, कुछ मिडलमैन आदमियों को या उनके ग्रुप को यह आकाश दर्शन करने रहेगा, तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो क्या, ये आप करते हो क्या? जरूर, पिछले तीन, आपको जान के बहुत मतलब हैरानी होगी, खुशी होगी, मालूम नहीं, बट देखिए पिछले 3-3.5 साल से मैं इस तरीके के हॉबी में जुड़ा हुआ हूँ, जिसके साथ रिफॉर्मेशन, सोशल रिफॉर्मेशन का काम भी मैं करता हूँ। तो पिछले 3-3.5 साल में ही मैंने तकरीबन 350-400 लेक्चर्स कम ऑब्जर्वेशन के प्रोग्राम लिए हैं। अरे वाह। और इसके तहत मैंने 70,000 से 80,000 लोगों को एड्रेस किया है।
एंड दिस इनकैम्पसेस ऑलमोस्ट होल इंडिया, मतलब पूरे भारत देश में हमें सब जगह जाके आया हूँ और वहां पे इतना हम लोगों ने क्वांटम कवर किया है। क्या बात? बट जबकि आपका क्वेश्चन ये है कि भाई हम जहां है उनको इसका कुछ फायदा या लुफ्त उठा सकते हैं क्या? बराबर। तो बहुत ही जरूरी चीज है कि अभी मौसम उस तरीके का चालू हो रहा है, तो मेरी तरफ से यहाँ बैठ के एक ओपन इन्विटेशन या ओपन आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमें कभी भी बुला सकते हैं। वी कैन कम विद टेलीस्कोप पॉइंटर और आपको बहुत सारी स्काई ऑब्जर्वेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये प्रोग्राम एक घंटे के लिए भी हो सकता है, पर रात भर के लिए हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा एक एडवांस इंटीमेशन की जरूरत रहेगी। बट यहाँ मैं एक और एडिशनल या जिनको मैं इंडेप्टेड हूँ उनकी थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि मैं पिछले 3-3.5 साल से काम कर रहा हूँ, बट कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सेल्फलेसली पिछले 30-35 साल से ये काम कर रही है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है खगोल मंडल, जो साइंस स्थित सेल्फलेस लोग चलाते हैं उसको वॉलेंटरीली। उसी तरीके से नेहरू प्लानिटोरियम मुंबई यूनिवर्सिटी का एक्स्ट्रा म्यूरल डिपार्टमेंट, जहां से मेरे नॉलेज डोमेन को मैंने बढ़ाना चालू किया। जी जी। इसी तरीके से आकाश मित्र मंडल हो या आकाश गंगा मंडल हो, ऐसे कई संस्थाएं हैं जो इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन ये संस्था जो है ये इसके बारे में जुड़ी है, ये हॉबी करके जुड़ी है या प्रोफेशनल के इस तौर पे जुड़ी हुई है? ये सारे जो है ये एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये खगोल प्रेमी या हौशी खगोल निरीक्षक है। जी जी। इसमें से कोई स्टूडेंट्स है, इसमें से कोई प्रोफेशनल है, इसमें कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, सबको ऐसा लगा कि ये जो बहुत ही अत्यावश्यक साइंस की एक ब्रांच है इसके बारे में जानकारी समाज में पहुंचनी चाहिए। साथ ही उनका अपना इसमें इंटरेस्ट इतना था क्योंकि फील्ड ही इतना इंटरेस्टिंग है। तो रियली स्पीकिंग जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं इसमें मेरा अपना जो सोशल सर्विस का एक इंटेंट रहेगा, बट ये फील्ड इतना इंटरेस्टिंग है कि उसके बगैर रहा नहीं जाता, इस तरीके का है। हॉबी के तौर पर इस आकाश दर्शन की ओर देखने का फायदा क्या है, और कमर्शियल के हिसाब से यानी करियर के बारे में इस आकाश दर्शन के लिए अगर कुछ कहना चाहते हो तो जरा हमें बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल क्या है ना, सी इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई गेम, तो मतलब अगर बच्चे भी इसमें शुरुआत के दौर पे जाना चाहते हैं तो नॉर्मली वो बोलेंगे कि इसमें कुछ करियर रिलेटेड है क्या, तो आप जानते हैं कल्पना चावला हो या फिर राकेश शर्मा जी हो जी। या फिर सुनीता विलियम्स हो, ठीक है, ये सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, ये सारे एस्ट्रोनॉमर बेसिक क्वालिफिकेशन उनका साइंस ग्रेजुएशन में था। तो मतलब हम ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए हमको कि एस्ट्रोनॉमी इज द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये खगोल विज्ञान जो है इस खगोल विज्ञान से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। तो खगोल विज्ञान में आज के डेट पे इतने सारे ब्रांचिंग हो गए, या आप बोल सकते हैं कि फिजिक्स सारी चीजें जो भी सेपरेट आउट हुई है, ये खगोल विज्ञान या जो भी विज्ञान है इसमें से अहम चीजों को ये एड्रेस करता है, तो इससे रिलेटेड सारे जो भी करियर है वो है ही। मतलब अगर आप साइंस ग्रेजुएट होते हो, बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, पीएचडी करते हो, इंजीनियर होते हो, इंजीनियरिंग के बाद एमएस करते हो, पीएचडी करते हो, या फिर डिप्लोमा करते हो, डिग्री करते हो, व्हाट एवर यू डू इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज फाइनली, इन केस यू हैव इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, इट कैन गो टू दैट रूट। लेकिन सर आपका ये कहना क्या संतोष जी कि कॉमर्स और अपना आर्ट्स वालों ने इनके यहाँ जाने का ही नहीं, इस हॉबी के यहाँ? बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है। मेरा ये कहना है कि व्हेन वी आर एड्रेसिंग दिस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमी, या हम जिसको एमेच्योर इंटरेस्ट या फिर हम जिसको खगोल निरीक्षण की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल अगर इसमें जाना चाहते हैं तो उनको शुरुआत कहाँ से करनी है, मतलब आगे जाके मुझे एस्ट्रोनॉमर बनना है या नासा ज्वाइन करना है या इसरो ज्वाइन करना है या इस तरीके की किसी आयुका को ज्वाइन करना है, तो हाउ आई कैन गो, दैट इज द वन। आप दूसरा बात करें कि प्रोफेशन के तौर पे मैंने कॉमर्स कर लिया, बीए कर लिया, ना वो अपने नौकरी धंधे में मैं लगा हुआ हूँ, मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आ गया, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो रियली स्पीकिंग ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने जैसे कहा कि हम लेजर पॉइंटर की बात कर रहे हैं, हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, मैंने खुद कहा कि मैं हॉबी के तौर पर 400 लेक्चर दे चुका हूँ, तो ये हर चीज का एसोसिएटेड एक बिजनेस है जी। तो इस बिजनेस में आप एक इंटरेस्ट के तौर पे घुस सकते हैं या आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं, पसंद आ जाए तो। आज की डेट पे टेलीस्कोप वगैरह बहुत ही डिमांड में है क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो आप 121 करोड़ जिसमें से 50% आबादी यंग जनरेशन है एंड दे आर गोइंग इनटू दिस साइंस लाइक प्रोफेशन, तो आज इस सारी चीज में बिजनेस के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर इसका क्या फायदा हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देखिए व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से विश्व बना हुआ है। तो आज जब हम ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं, मतलब ये मानवीय संस्कृति, कि आज हम
एक तो तीसरे जागतिक वर्ल्ड वार यानी वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ये वॉर यानी विनाश के लिए जा रहा है या प्रोग्रेस के लिए जा रहा है सर? ये हमको डिसाइड करना है, क्योंकि देखिए इसको बनाया भी हमने है ऐसा मैं मानता हूं, मतलब विज्ञान ने बनाया, मानवीय संस्कृति ने आज ये सेफ सिक्योर लाइफ दिया है, ये हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है जी। आज जो हम जी रहे हैं, और इसको विनाश की तरफ भी हम ही लेके जा रहे हैं, हमारे ही भाई बंधु लेके जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति को ये समझता है कि इस यूनिवर्स में, मतलब जिस विश्व में हम है, उसका बहुत ही मतलब और चार बार बहुत बोलूंगा तो भी कम पड़ेगा, इतना छोटा हिस्सा हम है, और इसमें हमारा रोल ये होना चाहिए कि हर दिन रात, दिन चौगुनी दिन दुगनी रात चौगुनी, हमको ये विश्व को रहने लायक बनाने में सक्रिय रहना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा लड़ाई झगड़े और इन सारी चीजों में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि वी मे लैंड अप इनटू द वर्ल्ड वार। तो ये जो है, ये जो खगोल विज्ञान की जो रुचि है और नॉलेज है जी, ये हमको अपने अस्तित्व के बारे में पता कर देता है या जानकारी देता है, जिससे हमारी सोच बदलेगी। तो एक की सोच बदलेगी तो वो जहां जिस समाज में रहते हैं उस समाज की सोच बदलेगी, और फाइनली हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड और विश्व शांति में इस सारे चीजें तब्दील हो जाएंगी। और ये जो सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे उत्क्रांत सभ्यता है, मानवीय संस्कृति है, ये ज्यादा देर तक इस पृथ्वी पे टिक पाएगी, या फिर ये पृथ्वी खुद ही टिक पाएगी जो अपनी सोलर सिस्टम में और अपनी गैलेक्सी में एक ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे हैबिटेबल या यहां पे इतनी उत्क्रांत मानवीय संस्कृति या जीव संस्कृति उपलब्ध है। अभी आपने इतनी तो अच्छी जानकारी दी, समझो एक नए इच्छुक दर्शक रहेंगे तो आकाश दर्शन में वो क्या गलती कर सकता है? हाँ, फिर से आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ गए कि हम आकाश दर्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम ये हजारों अरबों चीजों की हमने बात की, और अभी अगर कोई बाहर स्काई चार्ट लेके जाता है या कुछ भी लेके जाता है तो हो सकता है कि ही विल डू सम मिस्टेक्स, ब्लंडर्स। तो ये बहुत ही लाजमी है। इसमें हम नॉर्मली एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ABCS, मतलब आप रात के आसमान में तारे के नाम पे कुछ और न देख ले। ए इज फॉर द एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो हेडलाइट होती है वो रात को अगर आप स्टेडीली वो टर्न मार रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कोई तारा है। वैसे मैंने जो ABCS बोला तो B इज फॉर बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आसमान में उड़ते रहते, C इज फॉर क्लाउड्स, और S इज फॉर स्पेस। ये ABC के टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे आप जो गलतियां कर सकती है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, और इस गलतियों को ना करें इसके लिए आपको आजू बाजू के स्पेस का अवेयरनेस रहे। जैसे आपने एक बहुत शुरुआत में सवाल पूछा था कि ये आकाश दर्शन कब और कैसे किया जाता है, तो आकाश दर्शन भले ही रात में किया जाता हो बट आपको वहां पहुंचना जगह पे उस शाम को है, क्योंकि उससे एटलीस्ट आपको डायरेक्शनल सेंस रहेगा, उसके कारण आप बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज को आइडेंटिफाई करेंगे और गलतियां कम से कम करेंगे जी, जी, जी। अगर उनको इस नई इच्छुक आकाश दर्शन करने वालों को मार्गदर्शन या बेसिक गाइडेंस की जरूरी होगी, तो उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? जरूर। अभी जैसे इतना अच्छा टॉपिक आपने इतने अच्छे मौसम में ही शुरू किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके का सपोज किसी के पास वक्त है और उसको कोर्स करना है, तो कोर्स करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी, नेहरू प्लैनेटोरियम, खगोल मंडल, ये सब मुंबई स्थित है और एक्टिव है और अच्छे से और सेल्फलेसली ये काम करते। पनवेल सबर्ब्स में मेरे ख्याल से ये काम सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन ही करती है, जिसका नाम है टकले चैरिटेबल ट्रस्ट और स्काई वॉचर्स एसोसिएशन ऑफ रायगढ़, जिसका मैं फाउंडर हूँ। और इसके अलावा अगर सपोज आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप संडे टू संडे या वीकली आके इस आपकी जानकारी बढ़ाए कोर्स के तहत, तो यू कैन सेंड योर किड और यू कैन ज्वाइन अस फॉर कैंप्स। समर कैंप्स होते हैं, दिवाली वेकेशन कैंप होते हैं, क्रिसमस वेकेशन कैंप होते हैं। इसमें दो दिन में हम लोग लोगों को एस्ट्रोनॉमी और उससे रिलेटेड काफी चीजों की, टेलीस्कोप हैंडलिंग के बारे में बताते हैं। इस तरीके के कैंप आज भी हम करते हैं, और आपको इस दिवाली में इस तरीके के 5-6 बैचेस का हमने ऑर्गेनाइज किया है। कोर्सेज भी हम लेते हैं, बट जैसे आपने बोला कि इस तरीके का लॉन्ग एक्टिविटी या दो दिन किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो ही कैन कॉल अस ऑन हिज टेरेस और टू सम फार्म हाउस, जहां पे 2 घंटे में आपको तारे या तारकाओं की जानकारी या उस तरीके का लेक्चर्स, जो मेरे पास थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, वो शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर करने के सब्जेक्ट से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसे दर्शकों को कुछ मदद अगर चाहिए होगी तो आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए आप हमारे जो आपको दिख रहा है उस टेलीफोन नंबर पे या उस ईमेल एड्रेस पे या आप किसी भी वेबसाइट पे, मतलब इंटरनेट पे इस तरीके की काफ़ी वेबसाइट्स अवेलेबल है। अगर आपके पास एक सही सवाल है तो आज ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब इंटरनेट पे नहीं मिल सकता है, या कोई अच्छी अच्छी किताबें हैं
तो उन किताबों को आप रेफर कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर जो मेरा नंबर या ईमेल एड्रेस दिया है वहां आप कभी भी यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम, और जो दिवाली में हमारे कैंप्स है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो दर्शकों, आकाश दर्शन के बारे में संतोष जी ने हमें इतनी बहुत अच्छी जानकारी दी है, खबर बात की खास बात की ओर से मैं संतोष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद संतोष जी। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, और जाते जाते आपको धन्यवाद देते हुए आपको और दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैव सेफ प्रॉस्परस एंड वेरी हैप्पी पोल्यूशन फ्री दिवाली। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आपको कुछ सुझाव या सूचना देना हो तो हमारा पता है खबर बात जेके प्लाजा पहला माला दुर्गा माता मंदिर के सामने पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। अगली बार हम नए विषयों पर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ दीपावली। खबर बात के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।